वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का सीन है कि अभी मैं सो के उठा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6:05, तो अभी मुझे स्कूल भी जाना है। तो बाहर आके मैंने देखा कि देखो गाइस बारिश हो रही है, और मुझे लग रहा है ये रात भर बारिश हुई है, पूरा गीला गीला है, पूरी सड़क भी गीली, देखो नाला वगैरह सब भर गया है, सभी तक भी हो रही, बूंदे बूंदे हो रही हैं। तो अभी चाचू नहीं जगे, बट तो अभी आपको दिखाते हैं चाचू क्या कर रहे हैं। सो रहे हो? गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। ये तो इन्होंने उठे बाहर, देखा बारिश हो रही है, वो फिर आराम से सो गए, कह रहे कौन जाए बारिश में। और मम्मी ने हमें पढ़ाया हूँ, अब मेरे नहाने का टाइम हो गया है, मैं नहाऊँगा, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके तैयार वगैरह होके स्कूल जाऊँगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ अंदर भगवान जी के मंदिर को खोलने, क्योंकि अभी भगवान जी सो रहे हैं, दादी मेरी सुला देती हैं। अभी देखो लाइट वाइट सब बंद है। अब मैं भगवान जी का पर्दा को, ये है भगवान जी का पर्दा, अब मैं इसको हिलाऊंगा थोड़ी देर कि भगवान जी जग जाए। गुड मॉर्निंग भगवान जी। आहा, भगवान जी सो रहे हैं खटिया में। गुड मॉर्निंग, नमन कर लो। भगवान जी सो रहे हैं, भगवान जी को मैंने जगा दिया, दादी भी सो रही हैं, अभी सब लोग सो रहे हैं, बस हम ही जग रहे हैं। अभी जाके नहाता हूँ। व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है यहाँ का, देखो पूरा मौसम ही ब्लैक ब्लैक बादल, वो बारिश गीली गीली हो रही है। ओ इधर चलो, मैं चाचू को फिर से जगाता हूँ, अगर जग जाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो इनको सोने देता है। अरे ये तो जग रहे हैं, जग जाओ, अब जग जाओ, हो गई मॉर्निंग, उठो, लाओ हाथ, हाथ दो इनको। मैंने जगा के बैठा ले, भी ले रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, वैसे सो रहे थे। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। नींद में अभी हो लग रहा है। आ रहे थे स्कूल तो मैंने साइकिल निकाले, वहीं से बारिश होने लगी, तो अब गोलू जो जा रहे हैं छोड़ने, वो निकाल रहे हैं गाड़ी, तो अभी चलते हैं छोड़ने, क्योंकि साइकिल वापस खड़ी कर दी, अगर हम लोग साइकिल से जाते तो गाड़ी गीला हो जाता, और वो तो देखो अपनी मस्ती में घूम रहा है, और चाचू निकाल रहे हैं गाड़ी, चलते हैं फिर मिलते हैं। जो कि वो भींगते हुए गया है, वो देखो ये रामन का स्कूल, तो अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि मैं बचा हूँ अकेले, इसलिए मैं निकल रहा हूँ अपने। अभी हम आए कोचिंग से, क्योंकि अम्मा हमारे लिए लाए हैं पिंक लावा चॉकलेट, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अम्मा मेरे लिए लाएँ चॉकलेट, और हम जा रहे हैं इसको खाने, जिसको भी खाने जा रहे हैं स्कूल से, जो कि अभी भी जस्ट हम आए थे। आइए, फाइनली मैं आया छत पर, अमन ने मुझे आवाज़ दिया, कह रहा था चाचू दौड़ गया हो जल्दी देखो, वहाँ के यहाँ पे कबूतर बहुत सारे आए हुए हैं, जो कि दाना डाल के उन्हें चुना रहा था यहाँ पे बैठ के। वो मैं इतने से दाने डाले, इतने से गेहूँ के, तो सारे आए एकदम से कम 15 कबूतर आए, सब खा गए, सब चले गए। अब मैंने इतने सारे डाल लिए, अब आ ही नहीं रहे, उतनी देर से वेट, सारे के सारे उड़ के बैठ गए डाल पे। उसके बाद मैंने एक चीज़ और नोटिस किया यहाँ पे, तो छत पे देखा कि यहाँ पे छत का कुछ पोर्शन जो टूट गया है नीचे, और टूटने की वजह से क्योंकि बहुत बेकार भी लग रहा है, ये देखिए, तो ये बहुत ख़राब लग रहा है। तो अभी मैं लेटा था, तो मुझे अभी याद आई कि मेरे टाइसन को खाना नहीं मिला है, तो अभी हम जा रहे हैं उसको खाना देने, फिर बताएं। इसका खाना रख दिया, ये आ गया यहाँ पे, अभी खाएगा आराम से फिर, और मैं जल्दी से अपना हैंड वॉश कर लेता हूँ, हैंड वॉश कर लिया है मैंने, थोड़ा सा साबुन भी ले लेता हूँ। हम लोग
लेटे हुए थे, तो चाचू ने कहा चलो साइकिल से थोड़ी राइड करके आते हैं। तो हमने कहा फिर चलो, तो चाचू ने निकाल ली दोनों साइकिल और ये रहा बाहर, ये अंदर ही नहीं आया। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, चलो अंदर, अंदर चलो, चलो अंदर। तो मैं करता हूँ लॉक फटाफट से, निकल तो आए राइड करने, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है कॉन्टिन्यूसली, पता नहीं दो तीन दिन से बारिश क्यों हो रही है। होने दो, हम लोग को तो भींगना ही ये पसंद है। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ऐसा लग रहा है यहाँ पे आ गई है बाढ़। पानी पानी भरा। चाचू भी बोल रहे हैं बाढ़ आ गई। चलो इधर से मुड़ते हैं, अभी हम लोग मुड़ कर रहे हैं। बादल कितनी तेज गरज रहा है, बिजली भी भाई साहब कितनी तेज। बारिश होने लगी है, तो अभी हम पेड़ के नीचे आ गए हैं और चाचू जा रहे हैं आगे। वो जा रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उनको भींगने से बहुत मतलब है। तो अभी हम आ गए इधर वापस पेड़ के नीचे। भैया जब बारिश बंद होगी तब जाएंगे, पर एक खतरा है, हरे पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, बिजली गिर जाती। मैं चल रहा हूँ भैया, मैं नहीं खड़ा हो रहा, मैं चल रहा हूँ यहाँ से, भींग जाऊँगा वो सही है। हाँ चाचू बुना घुमा रहे फैट बाइक, आओ जल्दी बारिश हो रही है। अभी हम लोग गए थे राइड पे, तो बारिश होने लगी थी, मैं भींग भी गया हूँ, चाचू भी भींग गए। वो तो अभी थोड़ा बहुत सूख गए हैं, फिर अभी मेरे हेयर वगैरह गीले हैं और थोड़ी सी टी शर्ट वगैरह भी गीली। चाचू ने तो कपड़े ही चेंज कर लिए। कौन से पहने थे? अच्छा हाँ, चाचू ब्लैक टी शर्ट और ब्लू पैंट पहने थे, हाँ चेंज कर लिए। और बाहर देखें कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और गाइस इस मौसम में साइकिल चलाओ कितना मज़ा आता है, और इसी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। अभी हम लोग ने साइकिल बाहर निकाली थी, वहाँ तक गए भी थे राइड करने, और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होने में वापस आना पड़ा फ़ोन का कवर लेने कि वो गीला ना हो। तो फिर हम लोग निकलने वाले थे, तो मम्मी ने मना कर दिया, तो फिर हम लोग गए नहीं क्योंकि सर्दी जुकाम हो जाता, हम लोग गए नहीं। अब हम लोग जा रहे लेटने। तो अभी मैं इधर खड़ा था, तो मैंने सामने बतासे वाली ठिलिया में देखा, वहाँ खड़ी है पुलिस की बाइक। तो मुझे लग रहा किसी आंटी को कम तो बतासे नहीं खिला दिए गए जो पुलिस लेके आई है। अब बता नहीं भैया किस लिए लाई है पुलिस, किसी को बतासे कम खिला देंगे तो उसकी पिटाई हुई होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, आराम से लेटते हैं, और कोचिंग वगैरह मैं पढ़ाया हूँ, अब टेंशन फ्री। आगे कमरे में हम लोग लेट गए आराम से, अब थोड़ी देर आराम करेंगे। तो अभी हम और चाचू गीले हो गए थे, ऐसे हो जाता हेड पेन, तो अभी हम लोग सोए नहीं क्योंकि नींद नहीं आई। तो अभी बुआ ने बना दी हम लोग के लिए चाय, तो अभी फटाफट करके पीते हैं। तो अभी हम लोग पी रहे थे चाय और इतनी टेस्टी हो रही, और गाइस उसमें से हो रही बारिश, बारिश में तो और मज़ा आ रहा है, बिल्कुल तेज स्पीड में पानी हो रहा है, काला काला बादल हो गया पूरा टोटल वीडियो, और पूरी बारिश के मौसम में चाय पीने में बस पकौड़े की कमी है, बस बहुत टेस्टी चाय है। पकौड़े भी बनाने के लिए ज़रूरत है, बस बनाने की ज़रूरत है, अम्मा बना दो सबके, अम्मा नहीं बनाएंगी। कितनी तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल मौसम कड़क हो चुका है, ब्लैक ब्लैक बादल भी हो चुके हैं, और उसी में भुट्टे बन रहे हैं उधर, और टाइसन भी मज़ा ले रहा है बारिश का। अच्छा दादी बैठी हुई इधर, ये भी मौसम का मज़ा ले रही है। भाई साहब ब्लैक बादल हो गए हैं पूरे टोटली, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जाके नहा लूँ, पर मम्मी क्योंकि जुकाम उखाम हो जाता है मैं बहुत जल्दी, तो मम्मी मना करेंगे और डांटेंगे भी, पापा शिकायत कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, पापा भी मारेंगे भी। तो अभी क्या कुछ नहीं, तो थोड़ी देर पहले हो रही थी बारिश, जिसमें मम्मी ने मना करा था कि बारिश में जाना नहीं बिल्कुल, फिर भी हम लोग चुपचाप चले गए थे आराम से, मस्त बारिश पे नहा के अभी बढ़िया नहा लिया, ठंडे ठंडे से कूल कूल हो गया बिल्कुल फ्रेश। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा राइड पे, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली तीनों लोगों को पेटी मिल चुकी है, और फटाफट करके नहा खाते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली हमने अपनी पेटी फिनिश कर दी है, और ये लोग अभी लगे पड़े हुए हैं जो कि अभी खा भी रहे हैं। अब बूढ़ा भाई की अभी फ्रिज नहीं हुई है, आराम आराम से, और हम लोगों ने फिनिश कर दिया उन्होंने, तो फटाफट करके हमने फिनिश कर लिया बेटी, और वो ये खा रहे हैं, इन्होंने इनकी फिनिश नहीं, हमारी गोल्डन फिनिश हुई थी। तो अभी हम लोग चलते हैं घर, फिर ब्लॉग एंड कर।
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. चाचू ने भी खा ली और पेटी कैसी थी? मस्त। हम और चाचू जा रहे हैं टाइसन को टहलाने और देखो कितना है कि जाने के बाद। चलो 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 चलो। हाँ देखिए कितना हाइट जाने के लिए। तो इसको ले चलते जल्दी से, इसको फ्रेश वगैरह करा के अंदर कर देते क्योंकि परेशान कर लेते हैं खोल के ले जाते हैं। तो आज इसको बांध के ले जा रहे हैं, बांध के जैसे हम लोग जहाँ पे जाएंगे उसी को आके फ्रेश वगैरह करा के घर पे ले आएंगे। तो अभी चलते हम और चाचू आगे पार्क के अंदर, टाइसन को भी ले आए। तो अभी यहाँ पे थोड़ी वॉकिंग करते हैं फिर चलते हैं। तो मस्त मस्ती से टाइसन वॉकिंग कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं आराम से, फुल मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू पार्क का, पार्क अभी नया बना है, इसमें लाइटिंग सिस्टम भी हो गया, उस पर वूफर लगाया था कल आपको दिखाया था। किनारे किनारे पेड़ प्लांट्स अच्छे अच्छे लगे यहाँ पर, इधर पे सारे प्लांट्स सेम है, पूरे सेम है। और ये और टाइसन जा रहा है दौड़ने, चाचू इसको दौड़ा रहा है, दौड़ेगा भी देखना चाचू को हाथ पकड़ेगा, चाचू इसको दौड़ा लेगा, भागता बहुत तेज है। तो अभी चाचू ला रहे हैं टाइसन को दौड़ाते दौड़ाते, हमें भैया इससे बहुत डर लगता है, हमें काट लेता है ये। चाचू लेगा इसको, वो भी दौड़ा थक गया बेचारा, थक गया है वो थक चुका है इतने में ही, क्योंकि अभी इसकी एज हो गई है, मतलब कि 10 ईयर्स का हो गया, तो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता, पहले बहुत दौड़ता। इसको ले आते थे पार्क में, हम लोग का ही दौड़ा लेता था, पर अभी इसकी ताकत नहीं ज़्यादा, पर हाँ कुत्तों से लड़ने के लिए इसके पास बहुत ताकत है, फिर देखो को पटकता है। तो अभी इसको तो टहलाते हैं फिर घर चलते हैं आराम से, फिर लेटे वगैरह। फाइनली गाइस हम लोग ने टाइसन को टहला वहला के अंदर कर दिया, फ्रेश वगैरह हो गया है और गेट वगैरह भी लॉक कर दिया है। तो आज का ब्लॉग करने वाला हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट भी करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।